शासन के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर जी मिश्र, इनको संबोधन करने से पूर्व मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हमने सुना है कि सफल व्यक्तित्व के पीछे कोई महिला का हाथ होता है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि कोई सफल मिनिस्टर के पीछे एक अच्छे ब्यूरोक्रेट का हाथ होता है। वो मिश्रा जी है और वो इस राज को जानते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। हमारे इस विश्वविद्यालय के चांसलर श्री पी के गुप्ता जी, प्रो चांसलर श्री वाई के गुप्ता जी, प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन जी, प्रोफेसर डॉक्टर वानी जी रजिस्ट्रार, यहाँ के सभी प्रबंध तंत्र के बंधुओं, सभी अतिथिगण, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको एक दीक्षा आरंभ कार्यक्रम के लिए। मैं सुन रहा था आपके मंचासीन व्यक्तित्व के उद्बोधन को और उसको सुनते सुनते मुझको ये लगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिक्षा के लिए कहा है वो यहां पर साकार रूप ले रहा है। वी के गुप्ता जी, वाई के गुप्ता जी जो कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा वो है जो ज्ञान की वृद्धि करे, संस्कार दे और स्वावलंबी बनाए। क्या जो कुछ वीके जी ने और वाईके जी ने बताया, जो मैडम बता रही थी, तो महसूस हुआ कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को यह चरितार्थ किया जा रहा है और साकार रूप दिया जा रहा है। शिक्षा का स्वामी विवेकानंद जी से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत चिंतन करके दिया भी है समाज को और उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए यदि मैं कहूं आज की एनईपी उनके इस विचार को साकार कर रही है। हम जो पहले शिक्षा पद्धति से शिक्षा लेते थे वो लॉर्ड मैकाले की दी हुई थी। लॉर्ड मैकाले ने जब यह शिक्षा पद्धति दी हिंदुस्तान को, जैसा मिश्रा जी बता रहे थे कि 900 साल की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था। गुलामी अंग्रेजों की थी, उससे पहले विदेशी आक्रांताओं की थी। हम अपने स्व को भूल गए थे, हम क्या हैं और क्या थे इसमें दिग्भ्रमित थे। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति दी, शिक्षा पद्धति दी, जब वो अपने देश वापस पहुंचा तो उसके पिता ने पूछा तुम हिंदुस्तान में क्या करके आए हो जिसको ये कह सके कि तुमने इंग्लैंड का कोई भला किया है। तो उसने कहा मैं वो शिक्षा नीति दे के आ रहा हूं जो काले अंग्रेज पैदा करी। यानी इस सूत्र वाक्य के इर्द गिर्द पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनाए जाने लगे और यहां पर काले अंग्रेज पैदा हो गए। ये विडंबना थी, चलिए गुलामी की विडंबना रही होगी, लेकिन देश की आजादी को 70 साल से ऊपर हो गए हम ये सुनते रहे कि एक वर्ग मांग उठाता था शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए, ये नहीं चलनी चाहिए, और एक वर्ग कहता था करना करेंगे हम। जो करेंगे कहते थे उनके पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था और जो मांग उठाते थे उनके पास भी कोई बहुत व्यापक ब्लूप्रिंट नहीं था। लेकिन मेरे नेता मोदी ने
उस समय जब पूरा विश्व कोरोना संकट से गुजर रहा था, जिस समय आदमी को एक ही चीज दिखाई देती थी, आप अपने बारे में भी सोचिए, यदि कोई कुछ कहता था कि कोरोना चल रहा है, इस समय कोई बात नहीं दूसरी करनी। लेकिन मेरा नेता मोदी उस डिजास्टर में देश को दिशा दे रहा था, उसने सिद्ध किया कि डिजास्टर में मैनेजमेंट का मास्टर है तो दुनिया में मोदी है। और ऐसे विपत्ति काल में उन्होंने एनईपीपी सर्विस दी। उस दौरान जब व्यक्ति एक सूत्र कार्यक्रम में घूम रहा था, वो सर्वांगीण विकास की ओर देश की ओर कार्य कर रहे थे, उन्होंने क्या नहीं किया इस देश के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे राजनीतिक चिंतक हैं, जिन्होंने हमें फलसफा दिया था कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के यदि उत्थान की बात नहीं होगी नीतियों में कार्यक्रमों में, तो देश के उत्थान की बात करना बेमानी है, उसको साकार रूप मोदी जी ने इस देश में दिया। तो उन्होंने जो सूत्र दिया एनईपी का, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। आज जो भी पाठ्यक्रम बन रहे हैं, जो भी कार्यक्रम शिक्षा के बन रहे हैं, वो इन तीन वाक्यों के मूल बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसके ये न्यूक्लियस में तीन वाक्य हैं और परिधि में कार्यक्रम और पाठ्यक्रम बनते हैं। और यही जब मैं सुन रहा था वीके जी को और वाईके जी को, तो मुझे लग रहा था कि मोदी जी के विचारों को साकार रूप देने का, विवेकानंद जी के विचारों को साकार रूप देने का ये शारदा विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है। आपने मिश्रा जी को सुना, बहुत व्यापक रूप से उन्होंने विचार व्यक्त किए और वो तीनों बच्चियां उठ के चली गई। जब इतने अच्छे विचार दिए जा रहे थे, वो तीनों बतिया रही थी, ये पीली ड्रेस के पीछे थी, वो अगर वो होती तो मैं टोकता उनको यहीं से कि कौन सा नया अनुसंधान कर रही थी आपस में बैठकर, जबकि मिश्रा जी इतना व्यापक ज्ञानमयी बातें परोस रहे थे आप लोगों के सामने। तो ये होना चाहिए कि हम कंसंट्रेट करें वहां पर, यह मूल बिंदु है विद्या का, जहां से उद्बोधन हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है, उस पर कंसंट्रेशन रहना चाहिए। शिक्षा बदल रही है, देश बदल रहा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश बदल रहा है। एक समय था उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या था, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश का क्या हो सकता है कि यदि कोई राजनीतिक दल इतने 20-20 साल शासन करता हो और यह कहता हो कि हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे, तुम हमें सत्ता दो। इस प्रदेश का दुर्भाग्य था, ये ढांचा चरमरा गया था शिक्षा का। योगी जी जब आए, मोदी जी केंद्र में आए, उस समय ऐसी शिक्षा की चरमराती हुई ढांचे बिगड़ा हुआ ढांचा हमको मिला था। योगी वन में उसको पटरी पर लाया गया और योगी टू में वो पटरी पर शिक्षा के विकास की ट्रेन तेजी से दौड़ रही है, जिसमें मोदी जी का आशीर्वाद है और योगी जी का आशीर्वाद है। हम तो उसके प्यादे हैं। करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कर रहे हमारे नेता लोग हमें मार्गदर्शन दे रहे, दिशा दर्शन दे रहे और सहयोग हमें, टर्निंग पॉइंट में मानता हूं मिश्रा जी को, ये जो उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयीन शिक्षा का विकास हुआ है। कुछ अड़चनें थी, मंच में बताने लायक नहीं है, लेकिन उन सबको उस कुहासे से निकाला है यदि प्रदेश को, तो उसमें मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान, योगी जी का चाहत, योगी जी की इच्छा
और मिश्रा जी का प्रयास, मैंने तो उस महायुग में थोड़ी थोड़ी आहुति ला दी, लेकिन एक अप्रतिम विकास हुआ है। अभी संचालक महोदया बता रही थी किस तरीके से नेट ग्रेडिंग में, यूजीसी ग्रेडिंग में तीन है, दो उन्होंने बताया, तीन विश्वविद्यालय आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय सरकारी 500वीं रैंक तक में नहीं था। ये तो आपका तो 84 है, वो अलग बात है, सरकारी विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, 500वीं रैंक तक में नहीं था, क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय का उस में जंप लेना एक बड़ी बात है। आज एक विश्वविद्यालय 94वें, एक 97वें रैंक में आ चुका है, पहले 100 में आ चुके हमारे दो विश्वविद्यालय, जहां उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी दूसरे देश और प्रदेशों की ओर देखते थे, आज दूसरे प्रदेश और देशों के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय की ओर देख रहे हैं। उसमें शारदा विश्वविद्यालय एक बड़ा नाम है, और अब इंटरनेशनल और नेशनल ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं जो उनका नाम लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं कौन कौन से आ रहे हैं, कैसे उत्सुक है यहां पर आने के लिए। यह बदलता हुआ परिवेश है इस प्रदेश का और इस देश का, जो हमारे नेता मोदी जी और योगी ने दिया है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अभी मिश्रा जी ने कितने व्यापक रूप से बताया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई भाजपा का नेता बोल रहा है। वास्तव में जो देश ने उपलब्धि हासिल की है वो बोल रहे हैं, हो सकता है यदि कोई दूसरी विचारधारा का बैठा हो तो ये सोच सकता है इस बात, लेकिन देश ने जो तरक्की की है मोदी जी के नेतृत्व में, जो अंतिम छोर से बैठे हुए समुद्र तल से लेकर आसमान अंतरिक्ष तक यदि प्रगति हुई है तो इस मोदी जी के राज में हुई है। चांद पे चरण पड़े हैं हमारे चंद्रयान के, तो धरती पर कैसे चला जाएगा यह भी सिखाया है उन्होंने। स्वच्छ भारत की बात जो करी थी अभी इन्होंने, मैं जानता हूं जो 15 अगस्त को बोले थे लाल किले की प्राचीर से, तो कुछ लोगों ने तंज कसा था कि हमने तो पीएम चुना था, इस इंस्पेक्टर कहां से पहुंच गया, इतना छोटा सोच, और उन्होंने कितने छोटी सोच से कितना बड़ा सोच दिया था इस देश को, आने वाली संतति को। आप महसूस करते होंगे जो कहीं गुटखा गुटखा खाते हो उनको महसूस होता होगा, पहले खाया और बिंदास फेंक दिया, आज खाने के बाद जगह तलाशते हैं इसको कहां फेंका जाए। ये बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया, और फिर गलती से कहीं फेंक दिया और आपका नाती या बेटा आपके साथ चल रहा है तो वो टोक देता है कि पापा तुमने ये किया, बाबा तुमने ये कह दिया, मोदी जी तो ऐसा कहते हैं, यानी आने वाली नस्लों को स्वच्छता का संस्कार दिया है मेरे नेता ने, ये बदलाव दिया है। चाणक्य ने, आप लोग शिक्षक हैं यहां जो बैठे हैं कई, चाणक्य ने देश को बनाया था, देश को एक सूत्र में बांधा था, संगठक संघों में बटे हुए भारत को एकता दी, एक राष्ट्र बनाया था, और आज क्या हो रहा है, जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। आज जातियों में बांट रहे हैं अपने आप को, और जब इंटेलेक्चुअल क्लास जातियों बढ़ती है तब मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। अरे वो गली कुचों में बैठा हुआ व्यक्ति जातिवाद के नाम पर यदि कुछ गड़बड़ कर दे या सोच में पड़ जाए, सोचे सोच छोटे सोच में, लेकिन जब बड़ी क्लास फंसती है जिसकी जिम्मेदारी है कि समाज को दिशा देना, वो उसमें उलझती है। काशी से कौन चुनाव लड़ रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत चुनाव लड़ रही थी काशी, जिसने क्या नहीं किया देश के लिए, काशी के लिए, अगर काशी में ही सिमट जाए हम,
क्या नहीं किया था उसने, लेकिन हुआ क्या कि जाति में बट गए हम लोग, जाति में सिमट गए। उसने आने वाली नस्लों को स्वच्छता का संस्कार दिया, उसने देश को अंतरिक्ष तक पहुंचाया, समुद्र के तल तक नीचे तक पहुंचाया, देश का विकास किया, कितना बड़ा स्वाभिमान और सम्मान देश का बढ़ाया उसने। पर हम क्या करने लगे? एक छोटा सा उदाहरण बताऊं मिश्रा जी, कि आप लोगों ने जब हमको पेरिस भेजा था इन्वेस्टर्स मीट में मिनिस्टर्स को, तो मुझे पेरिस भेजा गया था। हमारे जीजाजी 20 साल पहले पेरिस गए होंगे, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, रिटायर हो गए अब इंदौर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के। तो उन्होंने टेलीफोन करके मुझसे कहा, कहाँ पेरिस जा रहे हो? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स मीट है, उसमें मुझे जाना है, योगी जी भेज रहे हैं। बोले पेरिस में भारतीयों को बड़ी उपेक्षा से देखा जाता है, वो जमाने की उनको याद होगी, वो गए थे। बोले अगर तुम कहोगे आई एम इंडियन तो बड़ा ऐसे हिकारा से देखेंगे कब कहां से आ गया। मैंने कहा खैर हमको जहां भेजा जाएगा हम जा रहे हैं। मैं गया, इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई, बड़े उत्सुक थे वो लोग उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए। और मुझे लगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, जीजा जी कुछ कह रहे थे यहाँ कुछ और है। तो मैंने उनसे पूछा कि वाई यू इंटरेस्टेड इन यूपी? बोले वहां योगी आ गया है। मैंने आपके सीएम की धमक पेरिस के दरवाजों तक थी। और आगे सुनिए, वहां का परफ्यूम मशहूर है, तो मैं कुछ लेने की अपने इष्ट में तो है, वो पूछेंगे भाई हमारे लिए क्या लाए, तो परफ्यूम ले लिया जाए। तो एक दुकान पर घुसा, वहां सेल्स गर्ल्स थी, वहां के राष्ट्रीय स्वाभिमान को देखिए कि वहां का व्यक्ति फ्रेंच में बात करेगा आपसे, जब तक फ्रेंच में करेगा जब तक उसे नहीं मालूम पड़ेगा आप फ्रेंच नहीं जानते, ये उसका राष्ट्रभाषा के प्रति स्वाभिमान। मैं एंटर हुआ उसमें, तो वो फ्रेंच में कुछ बोली। मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। बोली फ्रॉम वेयर यू आर? और मुझे झटका लगा, कहीं जिया जी का सेंटेंस याद आया, लेकिन मैं भारतवासी हूं, मुझे उसमें होने पे गर्व है। तो मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ फ्रॉम मोदी सेंट्री, वेलकम वेलकम, ये दिया है मेरे नेता ने आज आम भारतवासी, ये सम्मान और सम्मान दिया है मेरे नेता ने आम भारतवासी को। और उसके साथ क्या हो रहा था जातिवाद के नाम पर, ये कौन बताएगा? ये शिक्षक बताएगा। आप चाणक्य की भूमिका में रहेंगे, आप द्रोण की भूमिका में रहेंगे, एक नई दिशा देंगे, नया सोच देंगे। राष्ट्रीयता का भाव पैदा करना चाहिए, राष्ट्रवाद का भाव पैदा करना चाहिए, तभी विकसित भारत बनेगा। बिना अंदर राष्ट्रवाद पैदा हुए विकसित भारत की कल्पना करना बेमानी होगा। वो माता पिता और गुरु ही कर सकते हैं। इसीलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, तीन रिश्तों को देवता की तुलना दी गई है। क्योंकि अगर स्वार्थ नहीं है, निर्माण है इसके पीछे। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे उपलब्धियों में आगे जाए। अभी वाईके जी यहां से कह रहे थे कि मैं कहीं आपको इसरो में देखना चाहूंगा, कहीं आईएएस देखना चाहूंगा, कहीं कुछ देखना चाहूंगा। क्या भाव है ये? इस भाव की कोई कीमत नहीं है। आप कोई भी कीमत देकर ये भाव पैदा नहीं कर सकते किसी के अंदर। ये सिर्फ गुरु में पैदा हो सकता है कि वो अपने से बड़ा अपने शिष्य को देखना चाहे। इसलिए शिक्षकों की जिम्मेदारी बड़ी है, ये आने वाली पीढ़ी को सवारें, निखारें,
पूरे दुनिया का सबसे बड़ा यूथ कंट्री है भारतवर्ष। मेरा नेता मोदी वो विजन रखता है, मिशन रखता है और उसके पीछे पैशन रखता है कि इस काम को करना है। ये आप लोगों को सिखाना होगा, बच्चों को बताना होगा। विकसित भारत बनने जा रहा है, विकासशील देशों में भी पहले हम कहां पिछड़े हुए थे, नीचे निचले पायदान पर थे, आज विकासशील देशों की अपर पायदान पर ऊपरी पायदान पर आ चुके हैं। विजन दिया है उन्होंने देश को 2047 तक इसे विकसित देशों की श्रेणी में लाना है। तो सिर्फ मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उनसे जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है और इस यूथ की जिम्मेदारी विशेष हो जाती है जो आने वाले भारत का निर्माता है। बहुत सरल शब्दों में यदि राष्ट्रभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति वैसे तो हम लोगों में कब जागृत होती है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही हो या क्रिकेट मैच हो रहा हो, तब हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा होती है। या हम जिम्मेदारी छोड़ देते हैं सीमा पर लड़ने वाले फौजियों के लिए कि राष्ट्रभक्ति की जिम्मेदारी, ठीक है वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, वो अपना आज दे रहे हैं हमारे कल के लिए, वो अपनी जान दे रहे हैं वो बचाने के लिए, लेकिन आम लोगों के लिए तो राष्ट्रभक्ति कोई महत्व रखती है राष्ट्र निर्माण में? तो जो जिम्मेदारी समाज ने हमसे, समाज ने हमको दी है या समाज से हमने ली है, उसका ईमानदारी से, समर्पण भाव से, निष्ठा पालन करें, यही सरल भाषा है राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, जो हमको करनी चाहिए। मित्रों, बहुत बड़ी चुनौती है हम सबको सामने जो मोदी जी ने कल्पना की है विकसित भारत में को बनाने की, और बना रहे हैं, धीरे धीरे उठा रहे हैं, बनेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी यदि हमसे पहुंचेगी, पूछेगी कि आपका क्या योगदान था उसमें, तो बताना कि आप पे इतना सौदा रहे, इतने मसौदे रहे कि आप कह सकेंगे हमने भी राष्ट्र निर्माण में अपनी ये भूमिका रखी, चाहे स्टूडेंट रह के की हो, चाहे शिक्षक रह के की हो, चाहे व्यापारी रह के की हो, चाहे अधिकारी रह के की हो, चाहे राजनीति में रह के की हो, उसमें हमको भी अपने अपने योगदान का सोचना होगा, तभी विकसित भारत का निर्माण होगा और शारदा विश्वविद्यालय इस ओर ले जाएगा आने वाली युवा पीढ़ी को, यह मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।